ये है दुनिया के सबसे ज्यादा टैलेंटेड, स्मार्टेस्ट और टॉकिंग पैरट, जो आप लोगों को देखते ही हेलो बोलना नहीं भूलते हैं और ना ही आपसे आपकी बालकनी में अटेंडेंस लगाना भूलते हैं। ये मिलनसार होते हैं और न्यू एक्टिविटीज को करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इनमें से तो कुछ तोते ऐसे होते हैं जो घुर्रा कर अपनी फीलिंग्स को साझा करते हैं, तो कुछ तोते आंख से आंख मिलाकर एक दूसरे से बात करते हैं, और अगर कुछ नया दिख जाए तो उस चीज के बारे में जाने बिना शांत नहीं रहते हैं। ये कभी कभी अपनी गर्दन को हिलाकर अपने डांस परफॉर्मेंस को शो करते हैं, और अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये तोते अपने दबदबे और पावर को दिखाने के लिए अपने पंखों को फैलाकर दूसरे पक्षियों को डराते हैं। इसलिए ये तोते सभी के दिलों में राज करते हैं। लेकिन रुको, यहाँ सिर्फ ये तोते ही टैलेंटेड नहीं होते हैं, कुछ दूसरे तोते भी इनसे कई आगे होते हैं, जो अपनी बात को मनवाने के लिए घरों की छतों, खिड़कियों और गार्डन की कुर्सियों पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके कारण इनके सामने हार मानना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। लेकिन इन तोतों का ह्यूमंस के साथ इतना घुलना मिलना कैसे पॉसिबल है? क्या इन तोतों को ये डर नहीं है कि इन्हें पकड़ा भी जा सकता है? आखिर ये तोते किस कंट्री में इतना फ्रीडमली घूम रहे हैं जहां ये काफी ज्यादा हैप्पी और एक्टिव हैं? जगमगाती रोशनी में डूबा ये खूबसूरत शहर, जो काफी व्यस्त है अपने रोशनी के त्योहार में, और ये खूबसूरत शहर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में। मई से जून तक आयोजित होने वाला विविड सिडनी, जो कि एक रोशनी का त्योहार है, जो काफी ऑसम, ब्यूटीफुल और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन सिडनी सिर्फ अपने खूबसूरत सिटी के लिए फेमस नहीं है, बल्कि ये शहर अपने लोकल सिटीजंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ओह, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि लोकल सिटीजन से मतलब हम जैसे लोग? नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ के स्पेशल सिटीजंस के बारे में, यानी कि इन टैलेंटेड स्पीशीज के बारे में। 24 इंच बड़े ये हैं सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू, जिनके सिर के ऊपर दिखाई देने वाली येलो कलर की हेयर स्टाइल इन्हें सिडनी का हीरो बनाती है। ये तोते सिडनी के हार्बर ब्रिज के आसपास वाले एरिया में बिना किसी डर के घूमते रहते हैं। सिडनी का ये एरिया ग्रीन जंगल नहीं बल्कि कंक्रीट का जंगल है, और इस कंक्रीट के जंगल में इन तोतों को सब कुछ पता है कि इन्हें कब और कहां पर रुकना चाहिए। और इन तोतों की सबसे अधिक पसंदीदा जगह है ये रॉयल बोटैनिक गार्डन, जो कि सिडनी के हार्बर ब्रिज के पास ही मौजूद है। सुबह के 9 बजे लोग गार्डन में टहलने आए हैं, लेकिन ये अकेले नहीं आए हैं बल्कि इनके साथ ये पक्षी भी गार्डन में टहलने आए हैं। ये गार्डन काफी ज्यादा कूल और क्लीन है, इसलिए यहाँ इन तोतों का जमावड़ा लगता रहता है। इस पार्क में झरने व तालाब को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, और साथ ही डेकोरेट किया गया है यहाँ की ग्रीनरी को। गार्डन में लगी मुलायम और मखमली घास, जिनके मुलायम और कोमल तने इन तोतों के लिए इतने मीठे होते हैं कि ये तोते इन्हें चुन चुन कर खाते हैं। और जब गार्डन का माहौल शांत रहता है तो ये तोते भी कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और शोर मचाना भी कम कर देते हैं। लेकिन इन तोतों का कुछ समय तक शांत रहने का मतलब ये नहीं कि ये काफी ज्यादा खुद पर धैर्य रखने वाले पक्षी हैं। नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि अगर ये तोते अपनी शरारत पर आ जाएं, तो शायद ही कोई इनके शोर शराबे और नटखटपन से खुद को बचा पाएगा। जब ये तोते सिटी से दूर किसी ऐसे एरिया में होते हैं जहां ये छोटे ग्रुप में मौजूद हों, तब ये तोते अपने आप में ही मस्त रहते हैं और ग्रुप में रहकर अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। लेकिन जब ये काफी ज्यादा संख्या में होते हैं तो जमीन हो या आसमान, हर जगह इनका शोर शराबा ही सुनाई देता है। ये तोते निडर होते हैं, और अगर इनके ग्रुप के बीच कोई मामूली इंसान फंस जाए तो ये तोते फिर अपनी शरारत में आकर लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और इनका पहला टारगेट होता है गार्डन में घूमने आए लोगों के शूज। इन तोतों की नजर एक बार शूज के ऊपर पड़ जाए तो ये तोते शूज की चीर फाड़ करने के लिए लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। शायद ये तोते भी शूज पहनने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। लेकिन इन तोतों को शूज को काटने के साथ साथ डांस करने का भी बहुत शौक होता है।
और अगर गार्डन में कोई व्यक्ति इन्हें रील्स बनाते हुए दिख जाए तो ये तोते कैमरामैन के कैमरे को भी नहीं छोड़ते हैं और कैमरे की हर चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये तोते नकलची होते हैं और दूसरों की कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं। इन तोतों के इस टैलेंट के चलते ये सिडनी के सबसे स्मार्टेस्ट टॉकिंग पैरट के नाम से फेमस है। सल्फर क्रेस्टेड कॉकेटू सिडनी के तटीय क्षेत्र के आसपास भी सक्रिय रहते हैं। यहाँ ये तोते इंतजार करते हैं उन लोगों का जो यहाँ घूमने आते हैं। समुद्र के किनारे घूमने आए लोगों का स्वागत करने के लिए ये तोते तैयार रहते हैं और अलग अलग तरह की आवाज निकालकर खुद को एक संस्कारी पक्षी के रूप में साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तोतों का व्यवहार सभी के साथ एक जैसा नहीं होता है। जब ये तोते काफी ज्यादा सीरियस होते हैं तब ये कॉकटू किसी को भी खुद से बात करने की अनुमति नहीं देते हैं, तब वो जानवर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सीरियस मूड में ये तोते अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं जब ये तोते गंभीर हो जाते हैं, वरना ये तोते इतने जिज्ञासु होते हैं कि ये उन जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो इनके आसपास मौजूद होते हैं, तब चाहे वो बिल्ली ही क्यों ना हो। ये तोता बड़े ध्यान से इस बिल्ली की ओर देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस कैट से फ्रेंडशिप की जा सकती है। बिल्ली की कोई प्रतिक्रिया न देखकर ये तोता बिल्ली को और नजदीक से टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तोता इतना भी बेवकूफ नहीं है कि ये सीधा बिल्ली के साथ खेलना शुरू कर दे। इसलिए तोता उड़कर ऊपर से ही बिल्ली को घूरने लगता है और उसे समझने की कोशिश करता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। न्यू साउथ वेल्स का सबसे सुंदर माने जाने वाला ये शहर आधुनिक वास्तुकला और शहरी विकास का प्रतीक है, जहां की जनसंख्या 2023 में 55 लाख के करीब थी। लेकिन इस शहरीकरण के बीच सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू कैसे सरवाइव कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में इन तोतों के ऊपर वैज्ञानिकों ने अभी तक काफी रिसर्च की है और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा फोकस उन सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू के ऊपर रखा गया जो खुद को जंगल के आधे सिटी में रखना पसंद करते हैं, और अगर बादाम जैसे ड्राई फ्रूट जंगल से अधिक सिटी में मिल रहे हों तो शायद ही कोई कॉकटू जंगल में रहना पसंद करेगा, क्योंकि ये तोते इतने होशियार होते हैं कि जैसे ही इन्हें पता चलता है कि कोई इन्हें बालकनी में मिलने आया है तो ये लंबी उड़ान भरकर बड़ी तीव्रता के साथ बालकनी पर आ पहुंचते हैं। इन तोतों का ह्यूमंस के साथ मिलना जुलना सबसे ज्यादा बालकनी में ही होता है। सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू स्मार्ट ही नहीं होते बल्कि ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि ये लोगों के साथ हाय हेलो सीधे अपने पांव के पंजे के साथ करते हैं। बालकनी में खाना ही नहीं मिलता है बल्कि साफ पानी भी मिलता है, और इनमें से कई तोते ऐसे भी हैं जो पानी के पेपर गिलास को खुद अपने पांव के पंजे से पकड़कर पानी पीते हैं। लेकिन इनमें से कई तोते गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं जो खुद को इंसानी हाथों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। हार्बर ब्रिज को टच करते हुए ये नमी के बादल जो संकेत देते हैं बारिश का। बादलों के इकट्ठा होने से हार्बर ब्रिज का भाग कभी अंधेरे से तो कभी चमकती रोशनी से खूबसूरत हो जाता है, और फिर बिजली की एक गड़गड़ाहट से बारिश शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तेज तूफान और बारिश से खुद को बचाने के लिए इन तोतों के माइंड में एक ही सुझाव सूझता है, और वो है लोगों के घरों की छत और बालकनी। ये काफी संख्या में जमा हो जाते हैं जहां पानी की बूंदें इनके पंखों को छू ना सके, और इनमें से तो कुछ तोते ऐसे भी होते हैं जो खुद को बारिश से बचाने के लिए छाते का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तोते नहीं जानते हैं कि छाते को कैसे खोला जाए। जंगल में रहने वाले कॉकटू सिटी में रहने वाले कॉकटू की तुलना में काफी ज्यादा सतर्क होते हैं। ये इंसानों को देखते ही उड़ जाते हैं और अपने नजदीक आने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि जंगल में एक से एक शिकारी मौजूद होते हैं जिनमें से एक है ये मॉनिटर लिजर्ड जो इस तोते की नजर में आ चुका है। खतरा देखते ही ये तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पंखों को फैलाकर लिजर्ड को दूर भगाने की कोशिश करता है। जंगल में रहने वाला सल्फर क्रस्टेड कॉकटू
सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, जो जंगल की हर एक चीज के बारे में बारीकी से जानता है कि जंगल का कौन सा कोना उनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ये तोते जमीन की सतह पर बहुत कम आते हैं और अधिकतर पेड़ों के ऊपर ही बैठे रहते हैं। इनका अधिकतर भोजन ऊंचे पेड़ों पर लगे फलों और पत्तियों से ही प्राप्त होता है, और अगर जंगल में इन तोतों के पास न्यू एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ समय मिल जाए तो वाइल्ड क्रेस्टेड कॉकटू पेड़ों की छाल को तोड़ने या खींचने लगते हैं, क्योंकि जंगल में टाइम पास करने के लिए इन तोतों के पास सिर्फ यही एक तरीका है। ये कॉकटू अभी फिलहाल घोंसले का चुनाव करने में व्यस्त हैं। ये देख रहा है इस पेड़ की मजबूती को और साथ ही देख रहा है इसकी ऊंचाई को। बड़े ध्यान से और गंभीरता के साथ घोंसला देखना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही एक जगह है जहां इसकी संतानें जन्म लेंगी। लेकिन घोंसला कितना सुरक्षित है, उसके लिए नर को मादा के सुझावों की जरूरत है। मादा की अनुमति के बिना यहां अंडे नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन लगता है कि दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि यही एक उचित जगह है जहां चूजे सुरक्षित रह सकते हैं। वाइल्ड सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू से भी सुंदर तोते ऑस्ट्रेलिया के सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो दिखने में हूबहू क्रेस्टेड कॉकटू जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके शरीर पर दिखने वाला कलर इनको क्रेस्टेड कॉकटू से भी अधिक सुंदर बनाता है। ये है हैंडसम मिचेल कॉकटू, जिसे पिंक कॉकटू बोलना गलत नहीं होगा। सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू की तुलना में इन तोतों की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में कम है। इन तोतों की जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है। ये तोते लोगों के प्रति कम जिज्ञासु होते हैं। इनमें मेल और फीमेल दिखने में एक जैसे ही होते हैं, और इनके पंखों के बीच दिखाई देने वाला गुलाबी कलर इनको काफी आकर्षक बनाता है। और सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है तो वो है इनके सर के ऊपर दिखाई देने वाला हेयर स्टाइल। ये पिंक कॉकटू पूरे जीवन काल तक एक साथ रहते हैं और सूखे जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जहां ये पेड़ों के ऊपर लगे हुए जंगली फलों को खाकर अपना जंगली जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन सल्फर क्रस्टेड कॉकटू जो सिटी में रहते हैं, वो बालकनी में मिलने वाले भोजन पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि सिटी में रखे हुए डस्टबिन पर भी नजर बनाए रखते हैं। यहाँ ये लोग कचरे को डस्टबिन में डाल तो रहे हैं, लेकिन डस्टबिन का डब्बा इस कचरे को कुछ समय तक ही सुरक्षित रख पाएगा। और देखो, हमने कहा था ना कि इस कचरे के डब्बे की ओर क्रेस्टेड कॉकटू पैरेट जरूर खींचे चले आएंगे, लेकिन क्या ये इस कचरे के डब्बे के ढक्कन को खोल पाएंगे? ओह, इस तोते के लिए ये ढक्कन खोलना कितना आसान था। ढक्कन खोलने के बाद ये तोता कचरे के डब्बे के अंदर उस कचरे को खाते हैं जो इन्हें पसंद होता है। कचरे के डब्बे में छोटी मोटी खुराक ही मौजूद नहीं होती है, बल्कि लजीज पिज्जा भी खाने को मिलता है। ये तोते कचरे से खाने की चीज को निकाल तो लेते हैं, लेकिन गंदगी भी उतनी ही अधिक करते हैं। और ये तोते नहीं जानते हैं कि स्वच्छता कैसे रखनी है। इन्हें जो चीज फोकट की लगती है उसे ये डस्टबिन में नहीं बल्कि जमीन पर फेंक देते हैं। और इन तोतों की हिम्मत तो देखिए, ये डस्टबिन के ऊपर रखे भारी पत्थर को भी जमीन पर फेंक देते हैं। इसलिए सिडनी के लोगों ने ऐसे डस्टबिन का प्रयोग करना शुरू किया है जो बिजली के माध्यम से खुलते हैं, जिन्हें क्रेस्टेड कॉकटू पैरेट खोल नहीं सकते। इन तोतों के बिहेवियर को और अधिक से जानने के लिए उनके पंखों पर येलो टैग लगाया गया है, जिन्हें टैग नंबर के साथ साथ नाम भी दिया गया है। दरअसल इन तोतों के ऊपर टैग लगाने का एक ही उद्देश्य था कि ये तोते कब और किस समय सिडनी में घूमते हैं और ये कितने साल से सिटी में रह रहे हैं। इनमें से लगभग 80 तोतों को पहले विंग्स टैग लगाने के लिए सिलेक्ट किया गया था। सिडनी में इन तोतों की संख्या काफी ज्यादा है और ये जनसंख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। दरअसल ये तोते सिटी में ही प्रजनन करते हैं, और अंडे देने के लिए ये तोते सिटी के आसपास लगे पेड़ों का चुनाव करते हैं। इन तोतों ने खुद को इस शहरी विकास के अनुकूल ढाल लिया है, और सिटी में रहने के लिए ह्यूमंस के साथ अपने संबंध को कैसे मजबूत किया जाए वो भी इन तोतों ने काफी अच्छे तरीके से सीख लिया है। सिडनी में सल्फर क्रस्टेड कॉकटू की मुलाकात
इन तोतों से भी होती है, और मुलाकात होती भी है तो वो भी धक्का मुक्की के साथ। पेड़ों की छांव से दूर उड़ता हुआ ये विशाल तोतों का झुंड, जो आसमान को सफेद रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है, इन तोतों की यह खुशी उनके विशाल झुंड में देखी जा सकती है। इंसानी मुसीबत का सामना करते हुए आज की दुनिया में इन तोतों की यह जनसंख्या उस संघर्ष का प्रतीक है, जिसके लिए इन्होंने कई सालों से चलते आ रहे इंसानी विकास का सामना किया है। और इस विकास की भरपाई कैसे की जाए, ये भी इन तोतों को अच्छे तरीके से मालूम है। ये है ऑस्ट्रेलिया के बेयर आइड कॉकटू, जो जाने जाते हैं कोरेला के नाम से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही कोरेला नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनकी 3 प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, जिनमें से एक है ये लॉन्ग बिल्ड कोरेला। इन तोतों की चोंच अन्य कोरेला स्पीशीज से काफी लंबी होती है। ये तोते अपनी चोंच का इस्तेमाल सिर्फ पेड़ पौधों की टहनियों को पकड़ने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जमीन की मिट्टी को खोद खोद कर पौधों की मुलायम जड़ों को निकालने की भी कोशिश करते हैं, जिन्हें ये खाते हैं। इन तोतों की पहचान इनकी नुकीली चोंच ही नहीं होती है, बल्कि इनके पंखों पर दिखाई देने वाला डार्क ऑरेंज कलर भी होता है, जो दूसरे कोरेला स्पीशीज के पास नहीं होता है। पेड़ों के ऊपर बैठे ये तोते एक दूसरे के संबंध को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये फ्री होते हैं तो ये पेड़ों के ऊपर बैठकर अपनी साफ सफाई और पंखों को सवारते हैं। लेकिन इनके बीच प्यार प्रेम एक दूसरे के प्रति और अधिक तब बढ़ जाता है जब ये जोड़े में होते हैं। लॉन्ग बिल्ड कोरेला को बेयर आइड कॉकटू के साथ भी देखा जा सकता है, और इनकी चोंच लॉन्ग बिल्ड कोरेला की तुलना में काफी छोटी होती है। पेड़ के ऊपर ये तोता कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, और इसके इस व्यवहार का कारण है इसके सामने बैठी ये फीमेल। जब फीमेल प्रजनन के लिए तैयार रहती है तो नर फीमेल के आगे पीछे घूमकर उसकी सहमति लेने की कोशिश करता है। सहमति लेने के लिए नर को काफी टाइम लग जाता है, और आखिरकार फीमेल प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। इंडोनेशिया में पाए जाने वाले कोरेला ऑस्ट्रेलियन कोरेला से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। इनके बीच कोई अंतर होता है तो वो होता है इनकी आंखों का पैटर्न। ये कोरेला काफी छोटे और क्यूट होते हैं, लेकिन इन तोतों से भी अधिक कोई खूबसूरत है तो वो है ये रंगीन से दिखने वाले तोते। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर क्वींसलैंड से लेकर दक्षिणी भाग तक पाए जाते हैं ये सुंदर से दिखने वाले कलरफुल पैरेट। इनकी बॉडी पर दिखाई देने वाला डिफरेंट कलर जो आपकी आंखों को इंद्रधनुष के रंगों की याद दिला सकता है, इसलिए इन तोतों का नाम रेनबो लॉरी कीट रखा गया है, क्योंकि इन तोतों के सिर का भाग नीले रंग का होता है तो इनकी छाती पर दिखाई देने वाला रंग ऑरेंज कलर का होता है, वही पंख का ऊपरी भाग हरे रंग का होता है तो पंखों के नीचे का भाग पीले रंग का होता है, और इनकी चोंच लाल रंग की होती है। इसलिए ये तोते ऑस्ट्रेलिया के सबसे रंगीन तोतों में से एक हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिटी में भी पाए जाते हैं। ये तोते भी घरों की बालकनी में आना पसंद करते हैं, जहां उनके लिए खाना मौजूद होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तोतों का साइज छोटा होने के कारण इन्हें दूसरे पक्षियों के द्वारा बार बार धमकाया और डराया जाता है, और इन तोतों को अगर किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू। सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू इन तोतों से काफी बड़े होते हैं, जिस वजह से ये तोते इन छोटे तोतों को काफी ज्यादा सताते रहते हैं। अगर गार्डन में कोई रेनबो लॉरिकीट दिख जाए तो सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू अपने पंखों को फैलाकर इन्हें डराने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी तो ये सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू अपनी चोंच से पकड़कर इन छोटे तोतों को जमीन में पटकने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेनबो लॉरिकीट को इतना कमजोर भी मत समझिए, भले ही स्मॉल साइज के चलते इन्हें बार बार डराया जाता हो, लेकिन जब ये तोते गुस्से में होते हैं तो ये सीधा सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू से भी लड़ जाते हैं। तब चाहे इनके सामने कॉकटू का ग्रुप ही क्यों ना आया हो, तब ये ग्रुप से भी नहीं डरते। रेनबो लॉरिकीट पैरेट
अधिकतर पेड़ों पर लगे फल फूल और बीजों को खाते हैं और इन तोतों को अधिकतर फूलों का रस पीते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि इन तोतों की जीभ चोंच के मुकाबले थोड़ी लंबी होती है, जिसके कारण ये फूलों के अंदर तक अपनी जीभ को पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वहीं इन तोतों का जीवन काल 30 वर्ष का होता है। रेनबो लॉरिकीट पैरेट जब जोड़ा बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए इन तोतों को कैसे ये अपनी गर्दन को हिलाकर स्लो मोशन में डांस कर रहे हैं। इनका ये डांस करना कितना फनी लग रहा है। ऐसा डांस करना तो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। इनका ये डांस मेटिंग डांस होता है, क्योंकि प्रजनन से पहला इनका डांस करना काफी साधारण है। जंगल में ये तोते अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों की खाली पड़े होल्स पर बनाते हैं और घोंसले का अंतिम निर्णय होने के बाद प्रजनन करते हैं, जहां मादा 1 से 3 अंडे देकर उन्हें लगभग 25 दिनों तक सेकती है। लेकिन सिटी के आसपास रहने वाले रेनबो लॉरिकीट का जीवन काफी सरल होता है। ये तोते यहाँ मस्ती में रहते हैं और जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये तोते लोगों के द्वारा बनाए गए इन पानी के स्टैंड्स के ऊपर नहाते हैं। तो कुछ तोते नई नई चीजों का स्वाद चखने का मजा लेते हैं, इसलिए ये तोते ऑस्ट्रेलिया के सबसे फैंटास्टिक तोते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है इन तोतों को उनके हाल पर छोड़ने का। मैं अक्षदीप सिंह बोहरा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वर्ल्ड एक्सप्लोर वाइल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।